क्या मेरे ऊपर से फ्लाइट जा रही है? जी हाँ मेरे ऊपर से फ्लाइट। तो भैया मैं जस्ट अभी मुंबई से आया हूँ और मुझे आपको एक कहानी सुनानी है। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे। मैं पहली बार मुंबई 2018 दिसंबर यानी आज से लगभग 3 साल पहले गया। हाँ जी भैया, तो वीडियो एडिट करते करते कब सुबह के 4:30 बजे के पता ही नहीं चला। उससे पहले सिर्फ सुना था इस शहर के बारे में। 4:30 बजे के बाद मतलब 1-1.5 घंटा सोए हैं। एक ऐसा शहर जो कि सोता तो नहीं है पर उसे सपनों का शहर कहते हैं। सबसे पहले जा रहे गेटवे, फिर उसके बाद जा रहे हैं ससून डॉक। कई लोग यहाँ अपने सपने लेके आते हैं इसी आस में कि कभी उनका भी सपना पूरा होगा। उन दिनों मुझे तस्वीरें लेने का बड़ा शौक था। तो मनीष एकदम नीचे आ चुका है और हम निकल रहे हैं, हम पंकज के साथ और गणेश के साथ। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट था तो जेब में पैसे कम होते तो जनरल डब्बे में ही बैठ जाता। उस पहली ट्रिप के बाद मुझे लगा कि इस शहर के रंग को सिर्फ कुछ हफ्तों में नहीं महसूस किया जा सकता। और मनीष आ चुके हैं। मनीष कब से इंतजार कर रहा है हमारा? 15 मिनट से। तो उसके बाद मैं कई बार मुंबई गया कुछ तस्वीरें लेने, क्योंकि है ना मुझे तस्वीरें लेने का बड़ा शौक है। एक फोटोग्राफ शांत होती है, ये किसी वीडियो की तरह बड़बड़ाती नहीं है, पर क्या बताऊँ, मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि मेरी तस्वीरें कुछ कह सके। पहुंच गए गेटवे, अभी गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच गए, अभी सनराइज होने वाला है। फिलहाल अभी सनराइज नहीं हुआ है, मतलब अभी थोड़ा टाइम है। जी तो भैया जी, हम उस कैटेगरी से आते हैं जिनकी सुबह की शुरुआत चाय से नहीं बल्कि सनराइज से होती है। सामने मेरे ताज हैं, तो कभी मौका मिला तो कभी मतलब ज़रूर आएंगे यहाँ पे, मतलब कभी इतना कमा लिया तो। तो गेटवे पे सनराइज़ देखने के बाद हमारा प्लान था ससून डॉक्स जाने का। हमारे ब्लॉग में आपको वो सब नहीं मिलेगा कि हेलो गाइस हम शॉपिंग मॉल आए हैं शॉपिंग करने। बड़ा वाला मार्ट लेके आना, यहाँ पे बहुत बदबू है। देखिए मछली खाना सबको पसंद है बट हमें मछली शूट करने आए। क्या है ना, हमें रॉ चीजें दिखाने में ज्यादा विश्वास है। मतलब ससून डॉक्स आए हैं और यहाँ पे अभी मतलब मछली का आदान और प्रदान होता है। ससून डॉक 1875 यानी 1875 में बना था। इसकी गिनती मुंबई के बड़े मछली बाजारों में होती है। गणेश और बाकी लोग वापस गाड़ी में जा चुके हैं तो मेरा इंतज़ार कर रहे थे, रश और ज़्यादा हो गया है। पता नहीं क्यों बट मेरा बचपन से ही हवाई जहाज से बड़ा लगाव है। तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं एयरपोर्ट के पास, एक स्पॉट है जहाँ पे मतलब एरोप्लेन ऊपर से जाती हैं और मतलब गुजरती हैं, तो थोड़ा देखने को अच्छा दिखता है। मेरा बड़ा मन था कि मुंबई आए हैं तो लैंडिंग पॉइंट के पास तो जरूर जाएंगे बट वहाँ पे कैमराज अलाउड नहीं है, तो फिलहाल आज मैं फोन से ही शूट करने वाला हूँ। हर 5 मिनट में जैसे ही फ्लाइट हमारे ऊपर से जाती तो वो जो वाली फीलिंग है ना, वो सच बताएं तो हम आपको बता नहीं पाएंगे।
कैसा लग रहा है इस अमेजिंग सीट पे? सामने मजा आ रहा है। कैसा लग रहा? मजा आ रहा है। दोपहर से शाम तक हमने उस दिन कई फ्लाइट्स की लैंडिंग देखी होगी, पर शायद ही हमारा मन भरा होगा। हमने शायद आपको बताया था कि हमें रॉ चीजें देखने और दिखाने में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो ऐसे ही एक दिन हम पहुंच गए सॉल्ट पैन। अभी फिलहाल हम हैं एक सॉल्ट पैन के पास, जहाँ पे मतलब सॉल्ट बनता है, सॉल्ट का प्रोडक्शन होता है। There is a house built out of stone. तो मुंबई में हमारी आखिरी दिन मुलाकात सिद्धेश से हुई। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं फर्स्ट वॉली। तो अभी सिद्धेश के साथ हम लोग जा रहे हैं वॉली के पास। थोड़ा यहाँ पे जो हम लोग सोच के आए थे कि विंटेज गाड़ियाँ मिलेंगी, बट यहाँ पे अभी कुछ शूटिंग वूटिंग चल रही है, तो थोड़ा सा उतना मतलब हो नहीं पाया। ट्राई करेंगे कि अभी वॉली के पास कुछ एक्स्ट्रा कुछ मिल जाए। अगर अभी हम लोग रुकते तो रणवीर सिंह को देखने को मिलता, ऐसा कुछ नहीं। और इन्होंने अपनी स्कूटी में हमें वर्ली कोलीवाड़ा विलेज के दर्शन करवाए। ये जो क्रॉस है वहाँ से स्टार्ट होता है पूरा वर्ली का, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे थ्रू द लेयर। उतरो मस्त उतरो। देखिए सनसेट बहुत जरूरी है, अगर आप इसे मिस ना करें तो आप ज्यादा फायदे में रहेंगे। ये मुंबई जाने का मेरा एक सडन बनाया हुआ प्लान था, जो कि बहुत अच्छे से सफल हुआ। मैं शुक्रगुजार हूँ गणेश का, जिसने मुझे अपने घर पे इनवाइट किया। ये तो इतने बड़े शहर में कौन किसको याद रखता है। मनीष, पंकज और सिद्धेश का, जिनके साथ मैंने मुंबई में बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। अभी लिफ्ट से आ रहा था और ये अटक गया वहीं पर। लिफ्ट ऊपर नहीं आ रही, मैं नीचे जा रही है। बढ़िया, और सब बढ़िया? अब यही रहते पास में तो पनवेल। पनवेल, पनवेल से आए हो? ये बनाया है, कुछ बना के लेके आए। अच्छा, इसको दिल्ली जाके अनबॉक्स करेंगे। मुंबई इधर मैं रह सकता हूँ सालों भर।